सो हे गाइस व्हाट्स अप। तो काफी टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं और ऐसी शुरुआत भाई धमाकेदार होनी चाहिए। तो 2021 के अंदर ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है जो कि अच्छी खासी वीडियो है यार। काफी टाइम से मैं थोड़ा बिजी था इसलिए यार वीडियो थोड़ी सी डिले हो रही थी और शायद फ्यूचर में भी मेरी डिले हुए। मतलब स्टार्टिंग जब हमने की थी तो मेरी वीडियोस बहुत जल्दी आती थी लेकिन आज के बाद से वीडियो थोड़ी थोड़ी डिले हुआ करेंगे लेकिन वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है। तो गाइस फटाफट से बैठो यार, आज हम लोग खेलने वाले हैं हिटमैन 3। तो जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी थी हिटमैन के ऊपर उन लोगों को पता होगा भाई हम लोग हिटमैन बहुत ज़्यादा अच्छा गेम है और हम लोगों ने हिटमैन एब्सोल्यूशन के भी काफ़ी ज़्यादा पार्ट खेले हुए हैं एंड जो रिमेनिंग पार्ट है भाई वो हम लोग आगे खेलेंगे लेकिन अभी हम लोग खेलेंगे हिटमैन पार्ट 3। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं यार। तो यहाँ पर अभी इसकी कोई स्टोरी है, देखो भाई हम लोगों को गेम खेलना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चलेंगे एंड गेम का पूरा मज़ा लेते हुए हम लोगों को चलना है। तो चलो यार शुरू करते हैं। बाकी इस गेम के बारे में तुम लोगों को बताऊँ मैं, पहले स्टार्ट कर देते हैं इसको। Behind the everyday world, beyond the headlines and the seats of power, a hidden hand. भाई इस गेम के जो ग्राफिक्स है ना भाई अल्टीमेट, भाई स्टोरी लाइन बहुत तगड़ी है इसकी। तो चलो यार शुरू करते हैं। To it, we were just assets to use and throw away. To do the unthinkable, the unforgivable, and it never gave us a second thought until now. After decades in the shadows, we are fighting back. Me and 47. Much has been lost, but we are closer than ever. We trapped the constant. Providence's chief controller, and finally learnt the names of its three partners. In their downfall, we lay the past to rest. And guys, ये जो गेम है हमारा भाई, इसकी पूरी शूटिंग जो है, मतलब जितना भी गेम है इसकी जितनी भी ग्राफिक डिजाइन हुई है भाई वो हुई है दुबई के अंदर। तो भाई हम लोगों को इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा दुबई का। तो चलो यार मेरे ख्याल से इसके जितने मिशन है भाई वो अच्छी अच्छी, मतलब दुबई की जो बड़ी बड़ी भाई बिल्डिंग्स है वहां के देखने को मिलेंगे हमें। तो अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं एंड हम लोगों को जो मिशन मिला भाई, इसकी जो स्टोरी लाइन है भाई वो ये है कि इसके अंदर हम लोगों को, तुम्हें तो पता ही है भाई जो उसके जो मिशन होते हैं भाई बहुत ज़्यादा एक से एक तगड़े मिशन होते हैं। तो इसके अंदर हमको एक से एक इंटरेस्टिंग मिशन मिलने वाला है। तो चलो यार मेरे को तो बस भाई अंदर से लग रहा है भाई कैसे कैसे तगड़े मिशन देखने को मिलने वाले हैं। तो अभी हम लोगों की यहाँ पे लैंडिंग हो चुकी है। ओ भाई भाई क्या धमाकेदार लैंडिंग हुई है भाई, ऊपर से गिर रहे हैं हम लोग। ओ भाई हमारे साथ एक बंदा भी है। You never do. I see someone got his memory back. Wait, is that a beacon? Oh, bhai. Oh, bhai. What the hell? Bache, bhai. Helicopter tha. Alexa Carlisle's helicopter just took off. Confirm target locations, over. Diana, what's the status? Right. We have a situation. Carlisle has left the building. तो भी गाइस हम यहाँ पे किसी बिल्डिंग में पहुंच चुके हैं एंड मुझे नहीं पता यार बड़ी अजीब सी बिल्डिंग लग रही है। And since then he's been seizing control of Providence assets and resources. I can only assume Carlisle is rushing to contain the damage. If she slips away again, we'll keep track of her. Make sure she doesn't. Meanwhile, the plan stays the same. Your destination is the scepter, the world's tallest building where the partners are laying low, courtesy of their host, Sheikh Omar al-Ghazali. Marcus Stuyvesant is fifth generation old money. His family made its fortune in real estate and banking, and were at one point the chief landowners in New York. Carl Ingram is a powerful Washington kingmaker whose family grew rich selling gunpowder during the American Civil War, and later established a globe-spanning empire in oil, coal, and steel. Both families long since retreated from public view, but their quiet dominance endures to this day. Now, the partners likely suspect that we're coming, so Mr. Gray will infiltrate building controls and disable all electronic doors and elevators. Stuyvesant and Ingram are about to find they have nowhere left to run. Right. तो गाइस अभी यहाँ पे मेरे को जितना समझ में आ रहा है भाई, यहाँ पे इस बिल्डिंग के अंदर कोई एक गन माफिया, मतलब गन माफिया कह लो या फिर उसको भाई एम्यूनिशन का गन, मतलब एम्यूनिशन का कोई बिजनेसमैन, कोई बड़ा भाई माफिया है।
उसको हमें भाई सबक सिखाने के लिए अंदर जाना है। तो अभी हमारा मिशन एक्टिव हो चुका है, बाकी तुम लोगों को मैं गेम में चलते चलते बताऊंगा। बाकी इस अंदर मेरे को कुछ यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है, बाकी हमको गाइडेंस मिलती रहेगी। तो ये भाई बिल्डिंग है, और ये जो बिल्डिंग है भाई पूरे दुबई के अंदर जहाँ पे हम हैं इस वक्त भाई, वहाँ की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। तो भाई ऑब्वियसली भाई सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, तो भाई जो जिस बंदे को हम लोग एसोसिएशन करने आए भाई वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा होगा। ठीक है, तो चलो यार अभी देखते हैं क्या करना है। ओ भाई सारे बंदे भाई आसपास यहाँ पे कोट वोट पहन के आए हुए हैं, हम ही लोग यहाँ पे अलग दिख रहे हैं भाई। सबके पास भाई ब्लैक कोट है, मेरे ख्याल से हम लोगों ने ऐसा तो नहीं भाई गलती भाई सीन पहन कर आ गए, यहाँ पे ग्रे कोट पहन कर आ गए हैं, बट कोई नहीं भाई। यहाँ पे अभी हम लोगों को इधर की तरफ, यहाँ पे ये बंदा मेरे ख्याल से यहाँ पे जो दिख रहा है भाई, मेरे ख्याल से इसी बंदे को हमको सबक सिखाना है। ये देखो भाई कितना भयंकर बंदा लग रहा है ये, तो इस बंदे को हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो चलो यार ढूंढते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पे मैं मैप मतलब इसका जो यहाँ बिल्डिंग का जो मैप है भाई वो मिल चुका है हमने, उसका मतलब जो है मतलब मेमोराइज कर लिया है। तुम लोग देख सकते हो भाई यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट है, मतलब हमने बिल्कुल भी थोड़ी सी भी हमने यहाँ पे अगर हल्की सी भी गलत कर दी ना भाई। ये देखो भाई तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई कितनी खतरनाक बिल्डिंग है भाई, यहाँ का इंटीरियर देख के तुम लोग पता चल सकते हो भाई कितनी बेहतरीन बिल्डिंग है यार ये। ये भाई मुझे यहाँ पे कुछ देखने को मिला, चाकू मिल गया भाई हमें, तो भाई यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर मिला है, स्क्रू ड्राइवर हम लोगों ने यहाँ पे रख लिया है। ओके इसको लेके चलते हैं अभी यहाँ से, और मेरे पास यहाँ पे कैमरा है, कॉइन है, फायर वायर है। ओके भाई इस कमरे में यहाँ पे चार पाँच चीज़ें मिली हुई हैं। अभी मैं यहाँ पे क्या करना भाई, यहाँ से मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी से छेड़छाड़ कर दी है। अभी हम लोगों को यहाँ पे ऊपर तुम लोग कैमरे दिख रहा होगा, यहाँ पे सामने जो बंदा है भाई सिक्योरिटी गार्ड है, तो हमको कैसे ही करके भाई इसको छुटकारा पाना होगा यहाँ से। थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास। ओके भाई हमने यहाँ पे जो छेड़छाड़ की है भाई ये चेक करना है कि क्या छेड़खानी हुई है। अभी मेरे पास जो भाई फाइबर वायर है भाई इसको इससे पकड़ के चुपचाप से इसको नीचे गिरा देता हूँ, उसकी यूनिफॉर्म वगैरह ले लेंगे। आ जाओ भाई। तो भाई किसी को शक नहीं हुआ, हमने इस बंदे को कर दिया है। ओ हो, शायद सिक्योरिटी गार्ड देखने। ओके यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है भाई हमारे पास यूनिफॉर्म मिल चुके हैं ब्लैक कलर के, अब लोग यहाँ से ऊपर पहुँच चुके हैं, पहुँच सकते हैं मतलब। ठीक है अब हमें मेरे ख्याल से कोई शक नहीं करेगा, तो यहाँ से चलते हैं फटाफट से। ठीक है देखो भाई कितना भाई सही है बंद भाई। तो चलो भाई यहाँ से मेरे ख्याल से ऊपर जाने का पॉइंट इधर से कहीं से होगा। ये देखो भाई बंदा हमें सर सर करके बात कर रहा है, इसको लग रहा है भाई हम सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं, बट हम लोगों तो भाई अलग ही बंदे हैं भाई। ये देखो भाई मैं रास्ता बता रहा बंदा ऊपर जाने के लिए, तो चलो भाई ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ अलग ही पार्टी टाइप में चल रही है भाई, यहाँ थोड़े से रॉयल लोग हैं मतलब नीचे कुछ अलग लोग थे, बट यहाँ पर थोड़े से अलग लोग हमें देखने को मिले। ओ भाई इसने हमें रोक लिया। ओके गाइस हमारे पास अभी यूनिफॉर्म है भाई, हम लोग उससे अंदर नहीं जा सकते, हम लोग यहीं पे जा सकते हैं। तो मेरे को यहीं पे घूमना होगा और देखना होगा कोई अच्छे से यूनिफॉर्म मतलब कोई अच्छा सा बंदा मतलब हायर अथॉरिटी के पास मेरे को जाना होगा,
उसको मुझे मतलब कुछ करना होगा, यूनिफॉर्म लेनी होगी, उसके बाद हम लोग को जाना होगा। वैसे यहाँ पे मेरे को एक छोटा सा रास्ता और मिल गया है, देखते हैं भाई यहाँ से ऊपर जा सकते हैं नहीं जा सकते। भाई मैं सोच रहा हूँ इसी की गुद्दी तोड़ देता हूँ। वैसे यहाँ पे दो बंदे हैं, मैं सोच रहा हूँ मैं इनमें से किसी एक की गुद्दी तोड़ता हूँ और इनकी यूनिफॉर्म लेता हूँ, व्हाइट वाली। भाई व्हाइट वाली मेरे ख्याल से वीडियो यूनिफॉर्म ऐसी है जिसको पहन के तुम कहीं भी जा सकते हो। ओ भाई अंदर भी है भाई कुछ लोग व्हाइट वाले। ओके तो भाई ये बंदा तुम्हें दिख रहा है रेड वाला, इसी बंदे को हमें सूतना है। लेकिन भाई आराम से आराम से, मुझे इसके अंदर कोई रिस्क नहीं लेना भाई, बहुत ज़्यादा खतरनाक बिल्डिंग है ये, एंड यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकता मैं। तो ये बंदा बाहर आ रहा है, एंड इस बंदे को भाई कहाँ जा रहा है बंदा। मैं अगर यहाँ पे कहीं भी रुक नहीं सकता, अगर मैं रुका तो लोगों को शक हो जाएगा भाई मैं क्यों रुका हुआ हूँ, तो मेरे को चलते रहना है। ओके मेरे को यहाँ पे कुछ दिखा है, अभी इसको थोड़ा सा यूज़ करते हैं भाई ये चीज़, इसको घुमा लेता हूँ। ओके भाई, ओ भाई मैंने कहा इसे, ओ भाई अभी ये देखते हैं क्या होता है। ये बंदा देखने आया, हुआ क्या आखिर यहाँ पे। भाई व्हाइट वाली यूनिफॉर्म मिल गई, चलो हमें। ओके गाइस इसकी मैंने बॉडी यहाँ पे छोड़ दी है, अभी हम लोगों ने यूनिफॉर्म पहन ली, इसकी बॉडी थोड़ी साइड में करते हैं, अलमारी के अंदर बंद करते हैं जिससे कोई बंदा बाहर से देख ना पाए। चलो भाई तू तो अंदर खड़े हो जा, गेट बंद करते हैं, निकलते हैं भाई यहाँ से फटाफट से। अभी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं भाई, इसको ले लेते हैं और फटाफट यहाँ से निकलते हैं। चलो भाई हमें फाइनली एक गन मिल चुकी है, पर गन मेरे को यूज़ नहीं करनी है यहाँ पे, क्योंकि गन अगर मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली भाई सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है भाई यहाँ पे, आराम से निकलना है मुझे शांति से। ये भाई बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अभी इसके अंदर जो था हमारा भाई, हमारा जो एम है भाई वो उसके अंदर था, लेकिन अभी शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं है। और ये क्या रखा हुआ भाई यहाँ पे। ओके भाई ये कैसी जगह है भाई, अजीब सी जगह है। मेरे ख्याल से कहा ये सिक्योरिटी रूम है, यहाँ पे देखो कैमरे वगैरह चल रखे हैं। ओ भाई बंदूक वगैरह रखे हुए हैं, चलो तो रख लेते हैं भाई इन्हें अपने पास, काम आएगी आगे। ओके भाई मेरे पास कॉइन है, ओके एक गन है, दो गन है मेरे पास, फायर वायर है, काफ़ी चीज़ें भाई भाई अपने पास, ठीक है अभी ठीक है, काफ़ी चीज़ें अपने पास, अभी चलते हैं भाई यहाँ से। ओके ये क्या चीज़ है भाई यहाँ से। ओके भाई मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी रूम की लाइट वाइट ऑफ कर दी है, ठीक है। अभी यहाँ से ये लोग देख रहे हैं भाई कहाँ से लाइट ऑफ हुई है, इन लोगों को पता नहीं लग रहा भाई क्या हो रहा है। हम लोग यहाँ पे अभी जैसे ही बंदा अंदर आएगा भाई मैं इसका भाई गुद्दी तोड़ने वाला हूँ, देखना भाई तुम लोग भी यहाँ से आ जाओ बेटा। इसकी लाइट ऑन करने से पहले ओके बेटा कहाँ, आ जा भाई आ जा भाई, अंदर बंद हो उसके, तो फटाफट से भाई इसको अंदर बंद कर देते हैं। एंड चलो भाई एक और बंदा है भाई, ओ भाई ये okay. अभी दूसरा वाला बंदा आएगा, कहेगा भाई मेरा जो पार्टनर था वो अभी तक क्यों नहीं आया। अभी दूसरा बंदा आएगा आई थिंक, आ गया भाई आ गया आ गया। अभी मेरे को इसको भी शक सिखाना होगा। चलो भाई तू भी आ जा पार्टनर के पास अपने, इसको भी भाई इसके अंदर हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। चलो भाई अभी हमारा यहाँ का जो है भाई काम कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, चलो उस बैग को भी देखेंगे पहले, अपने यहाँ पे बंदूकें वगैरह ले लेते हैं, ठीक है भाई रख लेते हैं सारी। लाइट मेरे ख्याल से बंद ही रखते हैं, बाहर निकलते हैं यहाँ से। एक और गेट इधर से हम लोग, ओके तो यहाँ पे एक बंदा है यहाँ पे और एक और बंदा है यहाँ पे, और तो मेरे ख्याल से यहाँ पे यही दोनों है, यहाँ पे लिफ्ट है, बाकी यहाँ पे नीचे भी जाने का रास्ता है गाइस। यहाँ पे क्या है ये, मेरे ख्याल से वैक्यूम क्लीनर है यहाँ पे, इससे क्या करेंगे हम लोग यार। फिलहाल अभी इससे कुछ नहीं करना मुझे, अभी नीचे जाके देखना है भाई यहाँ पे बंदे एक्चुअल में कितने हैं। एंड ये पावर सप्लाई के लिए है क्या, पावर बंद कर दो क्या यहाँ पे भी, शक ना हो जाए यार हर जगह की पावर कैसे बंद हो रही है। इसके अंदर यहाँ पे एक बंदा, ओके और ये कुछ वाइन्स की पोर्टल है यहाँ पे, तो ओके भाई यहाँ पे ये थोड़ा सा ना दारू वारू पीने का एरिया यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग यहाँ पे जितना भी है। चलो भाई दारू पीने के लिए आए हैं हम लोग यहाँ पे, चलो भाई दारू वारू पीने दो हमें यहाँ पे, काफ़ी सारी है यहाँ पे दारू रखी हुई है ये देखो तुम लोग। हो भाई ये भी यहाँ पे दारू पीने के लिए नशेड़ी आया हुआ है। हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। ओ भाई समझ गए तुम लोग, हम लोग नीचे वाले एरिया में एंटर कर चुके हैं एक्चुअली, एंड यहाँ से बाहर पूरा मतलब पूरा मेन एरिया है, तुम लोग को यहाँ से ऊपर चलना चाहिए। वैसे यहाँ पे मैं बहुत कुछ कर चुका कर सकता हूँ मतलब, एक एक सेकेंड यहाँ पे मुझे थोड़ा सा प्लानिंग करनी होगी।
उसके बाद कुछ कर रहा होगा, दिमाग अपना 500 IQ यूज़ कर रहा होगा, उसके बाद कुछ ना कुछ कर रहा होगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पर ऑन करते हैं ऐसे। अभी जो नीचे बंदा है उसको लगेगा भाई आवाज कहाँ से आ रही है, और वो बंदा जैसे ही ऊपर आएगा, आ जा भाई, आ चुका है वो बंदा। अभी हमको यहां से उसके पीछे जाना है, वायर लेना है, और एक सेकेंड ऊपर से कोई ना जाए। चलो भाई, यार ये बंदा मेरे को बहुत इरिटेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे खड़ा हुआ है बंदा भाई, कोल्ड ड्रिंक लेनी है तो लेना भाई, खड़ा हुआ है यार यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक, एक घंटे से खड़ा हुआ है, ले नहीं रहा कुछ भाई। थोड़ा नाटक करते हैं, और अबे ले ले भाई, ये देख ऐसे लेते हैं। अभी इसका गेम बुलाना पड़ेगा। अबे यार पीछे से एक और बंदा चुका है यहाँ पे, इसको शायद भाई हम पे शक हो गया भाई। रुक जा, तू क्यों खड़ा हो गया यार यहाँ पे, अच्छा खासा यार उसको मार देता मैं। चल कोई नहीं, यहाँ से इधर निकलते हैं। इधर ओके गाइस, यहाँ पे एक और वैक्यूम क्लीनर रखा हुआ है, तो मेरे दिमाग में एक खतरनाक सा आइडिया आ रहा है। देखते हैं भाई इसको एग्जीक्यूट कर पाते नहीं कर पाते। अपने पास आइटम क्या क्या है यार, ये अपने पास यार मेरे ख्याल से ना एक ही चीज़ काम की है, बाकी अपने पास जो चीज़ है भाई वो चीज़ काम की तो है, लेकिन भाई उनसे ओके भाई ये बंदा जा भाई पीछे जा। अब ये बंदा पीछे जाएगा एंड मैं उस बंदे को मैं सूद के आ जाऊंगा। ठीक है भाई तू जा, ठीक कर करा। अबे जाना यार, खड़ा हुआ है यहाँ पे। चल भाई गया, एक काम करते हैं, लगे तो उसको भी पेल देते हैं। तेरी ऐसी तैसी भाई, भाई इसने मैं देख लिया था कि हम पीछे कर, ओ भाई गया नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, के पकड़ भाई। चलो ये अच्छा भाई, यहाँ पे हर मोड़ पे यहाँ पे अलमीरा मिली हुई है, तो उसको भाई अंदर रखते हैं। चलो भाई फटाफट से, चलो भाई बंद करते हैं, और यहाँ पर अभी मैं एक काम करता हूँ, दोबारा दोबारा चल लूँ। अच्छा ठीक है, अभी एक बंदा जो फ्रिज के पास खड़ा होता भाई उसको भी मैं थोड़ा सबक सिखाना है। तो यहाँ पे ज़्यादा लोग अभी बचे तो नहीं है, इसके बाहर क्या है यहाँ पे? ओके यहाँ पे एक बंदा, यार यहाँ पे बंदे बहुत हैं यार, एक तो यार बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है यार यहाँ पे, बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी। ये बंदा यहीं खड़ा, भाई क्या है तुझे यार, यहीं खड़े रहेगा। तेरी ऐसी तैसी भाई, तेरी ऐसी तैसी, निकल यहाँ से भाई। इस बंदे को भाई मैंने फालतू में मारा है, क्योंकि बंदा मेरा दिमाग खराब कर रहा था और मेरा मत्था इसने भाई बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया। कसम से भाई आधे घंटे से यहीं खड़ा हुआ है ये, मतलब हम लोग जब ऊपर से आए थे तब भी बंदा यहीं खड़ा हुआ था, एंड अभी भी यहीं पर खड़ा हुआ है। मतलब कुछ पी रहे हैं तो पी ले भाई, हल्ला कर यहाँ से, खड़ा हुआ है यहाँ पे यार, फालतू दिमाग खराब हुआ है। इसको भी इसके अंदर रखते हैं। चलो भाई मेरे ख्याल से यार बंदा चोरी वोरी करने की सोच रहा होगा, क्योंकि बंदा है गरीब, मतलब साफ सफाई करने वाला बंदा है ये, एंड वहाँ खड़ा हुआ या तो उसे भूख लग रही थी या फिर बंदा चोरी करने की सोच रहा था, और हम लोग यहीं घूमे आ रहे थे इसलिए इसका जो प्लान है भाई काम नहीं कर रहा था। ये क्या बड़ा हुआ है यहाँ पे, जो भी है रख लेते हैं। वो चाबी मिली है भाई यहाँ पे, चलो मेरे ख्याल से चाबी यहाँ पे। चलो भाई ऊपर चलते हैं, यहाँ से आस पास थोड़ा सा एरिया देखना है मुझे। जा भाई क्या यार, जाना तो मुझे इधर ही है यार ऊपर की साइड, बट कहाँ से जाऊँ? चलो एक काम करते हैं, मुझे ना आसपास थोड़ा देखना पड़ेगा, शायद से सीधे सीधे ना जाके आसपास से कहीं से जाना होगा। तो देखते हैं यार, काफ़ी कंफ्यूजिंग है भाई, ये बंदा हम यहाँ पे दो बार आ चुके हैं, तो इस बंदे को शक ना हो जाए यहाँ पे। यार बहुत लोग हैं यार यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, मुझे एकदम आराम आराम से चलना होगा। इन लोगों को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए गाइस कि हम लोग यहाँ पे करने आए क्या हैं, क्योंकि हम लोगों की शक्ल बिल्कुल, ओ भाई ये क्या है भाई यहाँ से मियाँ जी। चलो यहाँ से भाई इंटीरियर देख लो तुम लोग, यहाँ पे भाई क्या हो रखा है ये यहाँ पे, ओ भाई ऊपर क्या है ये, ऐसी लाइट है क्या यहाँ पे, कुछ लिखा भी हुआ है, और ये बंदे यहाँ पे सिक्योर। चलो भाई इस बंदे ने हमें रोका नहीं यहाँ पे, स्टे सेफ ब्रो, आई विल बी सेफ। ओके ब्रो, तो फाइनली हम लोग ना यहाँ अच्छी सी जगह पहुँच चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे टेरेस पे पहुँच चुके हैं, और ये देखो तुम लोग यहाँ पे सारे जो हैं अच्छे अच्छे लोग हैं, मतलब भाई बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, एंड हम लोग पता नहीं कौन से फ्लोर पर हैं, पर आसपास तुम लोग बादल देख के लगा सकते हो भाई, यहाँ पे हम लोग बहुत ऊपर हैं यार, बहुत ऊपर लिटरली यार, यहाँ से मतलब नीचे कुछ दिख नहीं रहा है, बादलों के भी ऊपर हम लोग, और यहाँ पर कुछ सऊदी के जो नवाब वगैरह भाई वो आए हुए हैं, शेख वगैरह आए हुए हैं, एंड काफ़ी पूरी दुनिया के लोग आए हुए हैं यहाँ पे, मतलब तुम लोग देख सकते हो भाई यहाँ पे कोई बड़ी ही मीटिंग हो रही है,
लेकिन हम लोगों को उस बंदे को सबक सिखाना है जो बंदा यहाँ पे मतलब गन का या फिर गन पाउडर का कुछ बिजनेस वगैरह करता है, उस बंदे को हमें थोड़ा सा सबक सिखाना है यहाँ पे। अब एक्चुअली प्रॉपरली मैं सुन नहीं पाया यार मतलब क्या करना है, बट हम लोगों को वहाँ पे पहुँचना है जो हमें डॉट दिख रहा है, उसके बाद ही कुछ पता लगेगा क्या करना है। तो भाई मैं चलते तो जा रहा हूँ लेकिन मुझे डर लग रहा है यार कोई मेरे को बंदा पकड़ ना ले, कि भाई तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तेरी सिक्योरिटी तो नीचे थी। वो भाई मैं घूम के दोबारा वहीं पे आ गया क्या? मुझे लग रहा है यार मैं घूम के दोबारा वहाँ पे आ चुका हूँ, या फिर ये सेम फ्लो मतलब। किधर निकलूँ यार, किधर निकलूँ मैं? फिलिप्स, ओके। बंदा एकदम सामने खड़ा हुआ है हमारे, लेकिन यार भीड़ बहुत है। अब हमें अपना खतरनाक दिमाग लगा के इस बंदे को कहीं इधर उधर करना है और फिर इसको एग्जीक्यूट करना है। तो क्या करें यार अपने, ये बंदा सामने खड़ा तो हुआ है लेकिन कैसे इसको हम लोग। क्या करूँ यार मैं भाई, यहाँ पर नीचे फेंक दूँ कैसे? अरे भाई एक्चुअली गाइस मैं ना उसके पास जाके खड़ा नहीं सकता, अगर किसी को शक हो गया ना भाई तो कसम से भाई यहाँ पे इस यूनिफॉर्म में सिर्फ मैं ही घूम रहा हूँ, बाकी लोग सारे ब्लैक कलर के कोट के अंदर हैं, सिर्फ मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ। तो मेरे को ना इसके आसपास नहीं घूमना है, मतलब थोड़ा दूरी दूर रहना है और आई कॉन्टेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये बंदे के आसपास अभी यहाँ पे भीड़ थोड़ी सी कम है यार, बंदा अकेला जा रहा है तो देखते हैं इसका पीछा करके यहाँ पे हो सकता है हम लोगों को कोई मौका मिल जाए इसको मारने का। इसके पीछे से सिक्योरिटी भी चल रही है लेकिन हम लोग भी लोग समझेंगे कि हम सिक्योरिटी के साथ में ही है, मतलब हम खुद सिक्योरिटी, शायद को लोगों को लगे। तो चलो यार धीरे धीरे करके संग चलते हैं, बस इसको शक ना हो जाए कि भाई हम क्यों चल रहे हैं इसके साथ में, क्योंकि ये तो जानते ही होगा ना ऑफकोर्स यार अपनी सिक्योरिटी को। चलो भाई एक जाम वाम छिटका लेते हैं, इसके अंदर कुछ मिला दूँ क्या? ये देखो भाई यहाँ से निकला भाई बंदा, अभी इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। शांति से यहाँ बैठ जाते हैं हम लोग यहाँ पे 2 मिनट के लिए। अबे भाई कहाँ भाग रहा है यार, बहुत दिमाग खराब कर रहा है बंदा मेरा, ऊपर जा रहा है अब ये बंदा, तो यहाँ से ऊपर निकलना होगा। ओके यार ऊपर कोई, ऊपर रिस्क बहुत है यार यहाँ पे, तो दो बंदे हैं एंड में यहाँ पे सीधे भाई इसको शक हो शायद। सॉरी ओके भाई मैं समझ चुका हूँ यहाँ पे कहाँ जा रहा है,